गुड फूड और बैड फूड, जब भी आप इस क्वेश्चन के बारे में सर्च करने की कोशिश करते हो तो आपके आगे एक बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है, तो आप उस चीज से एक और जाल में फंस जाते हो जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन सा फूड आपके लिए अच्छा है कौन सा फूड बुरा है। तो इसके बारे में एक ही बात बोल सकते हैं, एक साइज सबको फिट नहीं आ सकता, उसी की तरह कोई भी फूड, एक ही टाइप का फूड सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता। मैं हूं रमन, ए सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेनर एंड सर्टिफाइड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे फूड के बारे में, कौन सा फूड गुड और कौन सा फूड बैड हो सकता है। तो गुड और बैड करने से पहले फर्स्ट आपको पता होना चाहिए फूड चॉइस। फूड चॉइस को इम्पैक्ट करने वाले हमारे काफी सारे फैक्टर होते हैं। फर्स्ट फैक्टर होता है एनवायरनमेंट, कहाँ आप रह रहे हो, आपके आसपास कौन सा फूड अवेलेबल होता है, ज्योग्राफी वहां की है ना, उस चीज के अकॉर्डिंग आप अपना फूड चॉइस चूज करते हो जो आप खाना चाहते हो ना। सेकेंड आपकी फैमिली, फैमिली के अकॉर्डिंग जो फैमिली के रीति रिवाज हैं उनके अकॉर्डिंग आप फूड चॉइसेस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आपका डेली का ईटिंग पैटर्न रहता है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लंच, किसी के घर में ब्रेकफास्ट किसी वे से, सो फैमिली डिपेंड करती है, फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा फूड कंज्यूम करते हो। थर्ड थिंग जो आती है कल्चर, आप कैसे कल्चर में रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके फूड हैबिट्स जो है इम्पैक्ट होंगी। इकोनॉमी, आपके पास इनकम सोर्सेज आपके ज्यादा हैं कम हैं, उनके अकॉर्डिंग भी आपकी फूड चॉइसेस जो हैं वो डिफरेंट रहेंगी, कुछ चीजें कॉस्टली कुछ चीजें कम पैसों से। तो आपके पास इनकम सोर्सेज, आपके जो इकोनॉमी है वो उस चीज से भी आपकी फूड चॉइसेस जो हैं वो इम्पैक्टफुल होंगी, चेंज हो सकती हैं टाइम टू टाइम। एंड लास्ट फैक्टर जो है टेस्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फूड को चूज करते हैं। तो ये है फूड, एक्चुअली फूड कंज्यूम क्यों किया जाता है, फूड चाहिए क्यों, हमें क्यों खाना है फूड। तो ये सारे फैक्टर तो हमें पता चल गए, ये चीजें चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगी। बट फूड क्यों चाहिए, फूड बेसिकली हमें चाहिए होता है हमारे डेली एनर्जी गोल को पूरा करने के लिए। जब भी आप खाना खाते हो, कोई भी फूड कंज्यूम करते हो, कोई भी ईटिंग कंज्यूम करते हो, उसमें से आपको दो टाइप की दो क्लासेस में आप उसको डिवाइड कर सकते हो, फॉर न्यूट्रिशन एंड सेकंड कैलोरीज। सो कुछ फूड जो है न्यूट्रिशन देते हैं और उसके साथ साथ कुछ कैलोरीज देते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स जो आपको कैलोरीज देते हैं, जो आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी रिकवरी के लिए, आपकी एनर्जी के लिए जरूरी है, वो है फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। एंड माइक्रोज जो आपको एनर्जी नहीं देते बट आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके केमिकल रिएक्शंस बॉडी में जो भी हो रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो हमें माइक्रोज, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें। थर्ड फैक्टर जो होगा वो है वाटर, सेम एज इम्पॉर्टेंट है बाकी माइक्रोज एंड माइक्रोज की तरह। तो जब भी आप कोई चीज कंज्यूम करते हो वो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें प्रोटीन भी हो सकता है, फैट्स भी हो सकते हैं, उसमें विटामिन एंड मिनरल्स एंड वाटर, इन तीनों चीजों का आप कॉम्बिनेशन कंज्यूम करते हो वो है फूड, और उसी के अकॉर्डिंग आपको वो इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कौन सी चीजें अच्छी हैं कौन सी चीजें बुरी हैं। तो एक ही चीज कोई अच्छी नहीं हो सकती, एक ही चीज कोई बुरी नहीं हो सकती। तो फर्स्ट थिंग, जब अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हो, हेल्दी पैटर्न को फॉलो करना चाहते हो, फर्स्ट थिंग जो आपको कंज्यूम करनी चाहिए, आपके फूड में एक वैरायटी होनी चाहिए। ये नहीं हर रोज एक ही सब्जी, एक ही टाइप का फूड आप हर रोज कंज्यूम करते रहोगे तो वो एक अनहेल्दी हो जाएगा। एक ही सिस्टम में वैरायटी आपके फूड में होनी चाहिए, बैलेंस आपके फूड का बैलेंस होना चाहिए, ना उसमें ज्यादा कैलोरीज होनी चाहिए और ना ही ओवर न्यूट्रिएंट्स होने, मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट्स कोई विटामिन ज्यादा नहीं होने। सो एक बैलेंस डाइट, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट एंड माइक्रोस वेजिटेबल, जिससे आप मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर सकते हो। वैरायटी ऑफ फूड, बैलेंस ऑफ कैलोरीज एंड न्यूट्रिएंट्स के बाद जो थर्ड चीज हम बात करेंगे वो है सस्टेनेबिलिटी। आप उस चीज को जो फूड आपने चूज कर लिया, ये वीडियो देखने के बाद या आपने कहीं से भी सर्च कर लिया ये चीज आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आप उस चीज को कंटिन्यू कंज्यूम कर सकते हो, लगातार उस चीज को सस्टेन किया जा सकता है वही काम, तो वो मैटर करेगा आपकी फूड की सस्टेनेबिलिटी आपकी कितनी है। जो आप एक बार हेल्दी खाना, दो बार हेल्दी खाना, हमेशा हेल्दी या अनहेल्दी खाना, वो चीजें मैटर करेगी। ऐसे फूड चूज करो जो आप हमेशा खा सको, जो इजीली अवेलेबल हो, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एनवायरमेंट फैक्टर आपके ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। सो फॉर एग्जांपल कुछ लोग इंडिया में अगर हम देखें, हमें एवोकाडो वड़ा इजी से अवेलेबल नहीं होता, अगर होगा तो वो कॉस्टली होगा। तो आपके इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, आपके ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, आपके कल्चर के अकॉर्डिंग ऐसा फूड कंज्यूम करो, बट उसमें वैरायटी होनी चाहिए। ये नहीं अगर आप प्रोटीन के लिए एग्स अच्छे बोल दिया गया तो आप हर रोज एग्स ही खाते रहोगे। तो वैरायटी, बैलेंस, न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन का बैलेंस होना चाहिए, कैलोरीज एंड न्यूट्रिशन का बैलेंस होना चाहिए, और उस चीज को सस्टेन करने में, अगर एक बात हम बोले, जितना ज्यादा प्रोसेस किया जाएगा फूड को उस चीज को अवॉइड करो। सो प्रोसेसिंग ज्यादा खराब है।
अगर हम बात करें स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टिंग में सिर्फ आप इन चीजों के ऊपर फोकस करें, नॉट टू मच प्रोसेस। सो जो आप खाना खा रहे हो वो बहुत ज्यादा प्रोसेस ना किया गया हो। रॉ फूड जितना आप कंज्यूम करोगे वो ज्यादा अच्छा है। कनक अच्छी है, कनक का दलिया अच्छा है, और जब आप उससे रोटी बनाते हो तो उसके अकॉर्डिंग उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो डेफिशिएट हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट क्वालिटी जो गिर जाती है। तो रॉ फ्रूट वेजिटेबल्स जितना आप कंज्यूम करोगे वो ज्यादा अच्छा है। अगर अवॉइड करने की बात करें, एक्सेसिव सोडियम, एक्सेसिव सिंपल कार्ब्स जो है उनको अवॉइड करो। एक्सेसिव ट्रांसफैट अगर आपकी डाइट में जा रही है, उसको ट्रांसफैट मिलती कहां से? ट्रांसफैट यूजली आपके पैक्ड फूड जो है उनके अंदर आपको ज्यादातर ट्रांसफैट, बेकरी प्रोडक्ट्स जो है उनमें ट्रांसफैट्स और सैचुरेट फैट्स जो है वो हाई लेवल पे मिलेंगी। इन चीजों को अवॉइड करना है। और रॉ जितना फ्रूट आप फ्रूट्स आप कंज्यूम कर सकते हो, जो भी वेजिटेबल जितने भी फ्रूट्स हैं उनको अगर आप कंज्यूम कर सकते हो वो आपके लिए हेल्दी हैं। आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपकी कैलोरीज इनटेक होना चाहिए, एक्सेसिव कैलोरीज नहीं होनी चाहिए। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आप अवॉइड करोगे, रिफाइंड शुगर्स जितने सिंपल शुगर्स हैं उनको अवॉइड करके एक कॉम्प्लेक्स मील जिसमें आपका प्रोटीन भी हो, फैट्स भी हो एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, उसके साथ साथ कुछ वेजिटेबल्स जिससे आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स भी अवेलेबल हो सके। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर करना एंड कॉमेंट करके अपने फीडबैक देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे सिंपल कार्ब्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं एंड सैचुरेट ट्रांसफैट्स कौन से होते हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, एंड रॉ फूड कैसे होते हैं जो आप कंज्यूम कर सकते हो ईजिली। सो नोटिफिकेशंस के लिए प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आपको मिलेंगी तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।